सनातन धर्म में सबसे अधिक प्रचलित आरतियों में से एक ओम जय जगदीशरे आरती है और इस आरती के मूल रचयिता कौन है इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ इसे श्रद्धाराम शर्मा की आरती मान रखे हैं तो कुछ का कहना है कि यह स्वामी शिवानंद के द्वारा लिखी गई है, तो वहीं इसको लेकर अब विवाद भी गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने, सुनिए। गीता प्रेस के मैनेजर हमारे साथ हैं लालमणि जी, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जो आरती पे विवाद अभी है नाम को लेकर के कि कौन है असल में लेखक, आपके हिसाब से, आपके गीता प्रेस के हिसाब से कौन? इसके जो रचयिता हैं ये श्रद्धानंद शर्मा, श्रद्धानंद फिलौरी भी इनको कहते हैं, ये श्रद्धानंद शर्मा हैं। ये आरती 1877 में लिखी गई थी और 1875 में ये प्रकाशित हुई थी पहली बार, संभवतः सत्य धर्म प्रकाश में ये प्रकाशित हुई थी, तब से ये गाई जाती है। अच्छा, सबसे अधिक आरती संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक आरती लिखने का काम क्या शिवानंद जी ने किया था? क्योंकि अधिकतर आरतियों के लास्ट में हमने पढ़ा है कि कहा था शिवानंद स्वामी, ये जरूर आता है। नहीं, बहुत सी आरती उन्होंने लिखी है और आरती लिखने की परंपरा पहले से थी, आज भी है, लेकिन श्रद्धानंद फिलौरी जी की तो फिलहाल यही एक ही आरती प्रसिद्ध मिलती है। वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे और हिंदी और पंजाबी के अच्छे साहित्यकार थे, ज्योतिषी भी थे, उनका बड़ा नाम था और भक्त थे, तो उनकी तो यही एक प्रसिद्ध आरती यही है। बाकी शिवानंद जी की आरतियां तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल, तो गीता प्रेस ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ओम जय जगदीश हरे मूल रूप से श्रद्धानंद जी की आरती है और स्वामी शिवानंद ने भी अपने समय में इस आरती को नहीं लिखा था, न ही उसमें उनका नाम उनके समय में जोड़ा गया था। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर 30 जून तक